महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर महानगर के शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम प्रशासन ने भी मंदिरों की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों को पूरा करने में जुट गई है, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं व पुरुष भारी संख्या में मंदिर पहुंचकर भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव से मनोकामना करते हैं, मन्नत मांगते हैं और माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महापौर ने कहा कि जिसके मद्देनजर अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि महानगर के शिव मंदिरों की सफाई की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों पर लाइट पानी की समुचित व्यवस्था किया जाए। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर महानगर वासियों को महाशिवरात्रि की बधाई व शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के पुजारियों एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नाम है आचार्य अजीत कुमार मिश्र जी। बाबा भोलेनाथ का विवाह होने के नाते जो है प्रतिवर्ष ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और बाबा मुक्तेश्वरनाथ के स्थान पर हजारों की संख्या में रात्रि में लोग यहाँ पर अपना जप तप पूजा पाठ करते हैं, बाबा भोलेनाथ के नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं। इस चार चरण में आरती की जाती है, भोर में आरती समाप्त होती है, तदुपरांत सभी लोग अपने अपने घर पर जाते हैं। मैं आचार्य अजीत मिश्र पर हर वर्ष इस स्थान पर आता हूँ और 20 वर्षों से यह देखता चला आ रहा हूँ। कितनी संख्या में लगभग भीड़ होती है आपने? दिन में तो करीब मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 लोगों की भीड़ आती है, लेकिन रात्रि में 500 से 700 लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा रहती है। अभी मंदिर की क्या तैयारी है? अभी मंदिर की सजावट वगैरह हो चुकी है, सारी तैयारी चल रही है, पूर्णतया फूल की सजावट कल प्रारंभ पूरा हो जाएगा। जिनको उपाध्याय महाशिवरात्रि जो है शिव जी के विवाह का उत्सव होता है, शिव विवाह के उपलक्ष में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। अभी मंदिर की क्या तैयारी है? मंदिर की पूरी तैयारी सफाई वगैरह हो गया है। देखिए, महाशिवरात्रि त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, यह भारत की संस्कृति है और शिव मंदिरों पर महिलाएं, बेटियां, बहुएं और भारी संख्या में जनमानस उपस्थित होता है। कल शाम को अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सभी अधिकारियों को जिम्मेवारियाँ दे दी गई है। जितने भी हमारे शहर में शिव मंदिर हैं सब जगह सर सफाई की पूरी व्यवस्था करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमारे नगर निगम के कर्मचारी, जैसा कल मैंने कई जगह अपने पार्षदों से संपर्क किया था, लोगों ने बताया कि सफाई व्यवस्था हो रही है। मैंने एक जहां शिव मंदिरों पर लाइट नहीं है उनको नगर निगम से निर्देश किया गया कि वहां पर लाइट की भी व्यवस्था करें, क्योंकि देर रात तक शिव भक्तों का तांता मंदिरों पर लगा रहता है। मैं अपने तरफ से, नगर निगम परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।